एवरीवन, आज हम आपके लेके आए हैं व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा पास्ता। ये हमने लिया है पास्ता, और इस पास्ते को हम सबसे पहले करेंगे अच्छी तरह से वॉश। देखिए गाइज, इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम इसको बॉईल करने के लिए एक पतीले में रखेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा गर्म पानी है और ये हमने इसमें ऐड कर लिया है पास्ता। पास्ता डालने के बाद हम अपना जो भी आपका स्वाद है उसमें नमक ऐड कीजिए, और नमक के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गाइज हम इसमें डालते हैं इसलिए जिससे कि ये चिपके ना, अलग अलग रहे। देखिए गाइज, हमने नमक और इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, और इतनी ही हमारा बॉईल होता है। हम साइड में इसका प्रोसीजर रेडी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और टमाटो, कैप्सिकम, मैदा और दूध। सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में बटर। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये देखो, ये हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है बटर। और जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे। एकदम से पूरा नहीं डालना है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा वन वन स्पून डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए गाइस, इस तरह थोड़ा सा लेंगे मैदा स्पून में और साइड में डाल के, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखो, हमारा धीरे धीरे ये रेडी हो रहा है। इससे हमारी बहुत सुंदर और बहुत टेस्टी क्रीम बनेगी। अब ये जब हमारा बन जाए, इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। दूध भी एक साथ नहीं डालना है, दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। गाइज, इसमें कम से कम मेरे लगे 2 या 2.5 गिलास दूध डाले हैं मैंने इसमें। आपका जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी अच्छी सॉस बनेगी। अब इसको अच्छी तरह से मैश करिए, और ऐसे कर करके इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो देखो, ये इतनी अच्छी सॉस हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए गाइस, इसमें एक भी लम्प नहीं नज़र आ रहा है। ये बहुत टेस्टी लगेगी खाने में आपको। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ चीज़। ये हमने इसमें चीज़ डाल दिया है। अब इस चीज़ को ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम दूसरी कढ़ाई में ये बटर डालेंगे। बटर डाल के इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर लेंगे। गार्लिक जैसे थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद हम इसमें अपना प्याज जो हमने चॉप की हुई है उसको ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मैश किया हुआ टमाटो। ये देखिए गाइस, ये हमारा कैप्सिकम है, इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखो, इसको धीरे धीरे हम भून लेंगे। जैसे ही भून जाए तो हम जो साइड में हमारा सॉस रखा है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जो भी आपका टेस्ट है। नमक के बाद हम इसमें ओरिगैनो डालेंगे। गाइस, ओरिगैनो का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। जो भी आपका टेस्ट है, कम या ज़्यादा डाल लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। ये देखिए गाइस, हमारी सॉस इतनी अच्छी बनी है ना, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब जो हमने अपना ये मसाला रेडी किया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसमें अच्छी तरह ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमने सब चीज़ इसमें मिक्स कर ली है। इसके बाद जो हमारा पास्ता है, ये हम इस सॉस में थोड़ा सा कम आंच पर धीरे धीरे डालकर गरम करेंगे। और ये देखिए गाइस, हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए गाइस, बहुत ही टेस्टी पास्ता रेडी है। आप भी प्लीज़ बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। और अगर हमारी आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू गाइज़।